दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में पहले टेस्ट का तीसरा दिन खेला जा रहा है दोस्तों, जहां भारतीय टीम से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी हमें, वैसे प्रदर्शन देखने को मिले। दोस्तों आपको बता दूं कि दूसरा दिन पूरे दिन बारिश होती रही, इसलिए दूसरे दिन का खेल नहीं हो पाया था। तीसरे दिन जब शुरुआत हुई दोस्तों, तो भारत 272 रन के आगे खेलना शुरू करती है, जहाँ दो सेट बल्लेबाज केएल राहुल शतक बना के और अंजिके रहाणे अर्धशतक के करीब थे। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज अलग ही लय में आज आए थे मैदान पर दोस्तों, और शुरुआत से ही उनकी गेंदों का जवाब नहीं था भारतीय बल्लेबाजों के पास। कगिसो और अबाडा की बात करें दोस्तों, दोनों सेट बल्लेबाजों को जो पहले दिन नाबाद लौटे थे, उनको पवेलियन भेजने का रास्ता तय करते हैं। और उसके बाद दोस्तों लुंगी एंगिडी भी कहर बरपाते हुए नजर आए, और आपको बता दूं कगिसो और अबाडा 3 विकेट लेने में कामयाब रहे सुबह, वहीं पंजा खोलने में कामयाब रहे लुंगी एंगिडी। और इसी के साथ दोस्तों भारत, जो कि लग रहा था कि बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई लग रही थी, और 3 ही विकेट गिरे थे 270 रन पे, लेकिन बहुत बड़ा कोलैप्स देखने को मिला दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से, जहां आपको बता दो दोस्तों केएल राहुल 123 रन, अंजिके रहाणे 48 रन, और इसके बाद कोई भी बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाता है। ऋषभ पंत 8 रन केवल बना के आउट हो जाते हैं। रविचंद्रन अश्विन 4 रन, वहीं शार्दुल ठाकुर से उम्मीदें तो थी, लेकिन वो भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। मोहम्मद शमी की बात करूं तो 8 रन जरूर बनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीदें थी भारतीय टीम से, उस प्रकार का वो खेल नहीं दिखा पाती है, कोलैप्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अब भारतीय गेंदबाजों को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर उतना बड़ा नहीं हो पाया, 300 के ऊपर जरूर है, लेकिन उतना उम्मीद था उतना नहीं हो पाया है। अब यहाँ से भारतीय गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी मुकाबला जीतने के लिए।